साइज कितना था? 12.1। क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे तुमको बोलता है क्या फिगर दिया हुआ है, बोलता है एक एन आर्चरी टारगेट मार्क विद इट्स 5 स्क्वायर मीटर, यानी स्कोर करता है आर्चरी, निशाना लगाता है, निशानेबाजी जो होता है ना इसी तरह का होता है, कोई गोल्ड पे सेंटर पे मारेगा, कोई इस पे मारेगा, मतलब निशाना क्या लगाने का निशाना टारगेट किया जाता है। तो यहाँ पे है ना कोई सक्सेस हो जाता है, कोई इधर लगा देता है, कोई इधर, इस तरह से यानी निशानाबाजी यहाँ पे गोल्ड पे लगाने का है। इसी तरह से त्रिद्वंदी का खेला भी होता है। तो बोल रहा है क्या जो सेंटर है टुवर्ड्स, यानी पहला है गोल्ड का, फिर है रेड का, फिर ब्लू का, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, यानी ये वाला जो पोर्शन है इसमें गिरा तो वो गोल्ड का हकदार है, यानी ये जो रीजन यदि यहाँ पे निशाना मारता है वो गोल्ड रीजन पे हुआ, यदि यहाँ पे निशाना मारता है तो रेड का रीजन, यदि इधर मारता है तो ब्लू का, इधर ब्लैक, और इधर मारता है तो व्हाइट का। तो तुमको इसमें क्या निकालना है, तो द डायमीटर ऑफ द रीजन या फिर रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड स्कोर, यानी तुमको दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द गोल्ड रीजन, किसका दिया है गोल्ड रीजन का डायमीटर कितना दिया हुआ है 21। यानी यदि हम बात करें ये गोल्ड हो गया और ये तुम्हारा इसका डायमीटर दिया हुआ है, ये है मेरा गोल्ड और ये डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा इसका 21/2 सेंटीमीटर, यानी कितना होगा 10.5 तो भी चलेगा। तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया ओवर बाय गोल्ड क्या होगा पायर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 21/2 × 21/2 कटेगा और ये कटेगा 11 इंटू करेंगे 33 × 21/2 इंटू करेंगे 63 और 6 69/2 यानी 3, 4, 6.5 सेंटीमीटर। तो ये गोल्ड रीजन का एरिया कितना निकल गया, इतना निकल गया। तो इसी तरह से तुमको बोल रहा है 5 एरिया ऑफ द ईच स्क्वायरिंग स्कोर, यानी गोल्ड का निकाली, फिर तुमको रेड का निकालना है, फिर तुमको ब्लू का निकालना है, फिर तुमको ब्लैक का निकालना है। तो पहला निकल गया मेरा, एक सक्सेस हो गया, गोल्ड निकल गया, अब रेड निकालेंगे। देखो अब इसके बाद ये गोल्ड का तो तुम्हारा निकल गया, अब क्या बोलता है गोल्ड के बाद क्या है, गोल्ड के बाद अब तुम्हारा क्या है रेड, तो हमको रेड का निकालना है इसका रेड, तो गोल्ड तो गोल्ड वाला तो ये हो गया, तो रेड वाला ये निकालना होगा। तो रेड वाला में बोलता है इसका जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है विड्थ है, ये कितना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर दिया है। तो रेडियस मेरा कितना था गोल्ड का, यदि हम यहां से यहां तक बढ़ा दिए, ये 10.5 था यहां से यहां तक, और ये मेरा कितना था 10.5 ही था, कितना था 10.5 था। तो हमको तो इस टोटल का एरिया नहीं निकालना है, हमको सिर्फ इसका एरिया निकालना है। तो इसमें क्या करना होगा, थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा, यानी इस तरह का यदि निकलेगा तो हमको एरिया कवर्ड बाय द कौन सा रीजन, तो रेड रीजन कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे टोटल का एरिया निकालेंगे। तो यहां से यहां तक रेडियस कितना हो गया मेरा टोटल 21 सेंटीमीटर, यानी यदि यहां बोले जाए तो 10.5 + 10.5 यानी कितना हो गया 21 सेंटीमीटर हो गया। तो टोटल का एरिया निकालिए पहले, पाई डायरेक्ट लिखते हैं 22/7 × 21 × माइनस किसको करेंगे एरिया कवर्ड बाय द गोल्ड रीजन, यानी एरिया कितना निकला था 400 गोल्ड का कितना निकला था 346.5। अब इसको इंटू कर देना
66 इंटू 21 माइनस 3 46.5, इसको इंटू करेंगे 66 इंटू 21 6 12 30 68 कितना हो गया 380 माइनस 346.5 346.5 करेंगे 5 9 में से 9 4 8 या 3 10 0 39.5 सेंटीमीटर ये एरिया किसका निकला ये वाला रेड रीजन का समझ में आया तो अब रेड रीजन निकल गया अब हमको बिल किसका निकालना होगा ब्लू रीजन तो लिख लो पहले इतना तो लिखो इसके बाद सिर्फ ये लिखना है रेड कैसे आया समझ में आ गया समझ में आया कैसे आया क्योंकि विथ बढ़ गया ना टोटल क्या निकालेंगे फिर टोटल से माइनस कर देंगे किसको गोल्ड वाला को ये दूसरा होगा भी इसी तरह से पांच बार देखो आप तीसरा लेंगे ब्लू हमको कौन सा निकालना है ये वाला सिर्फ ये वाला जहां क्रॉस लगा रहे हैं ना इसी रीजन का निकाल तो फिर उइथ बढ़ेगा मेरा 10.5 बढ़ेगा तो फिर रेट इसका मतलब कितना हो गया आर रेडियस यानी न्यू रेडियस तो नहीं बोल सकते हैं 22/7 रेडियस किसके लिए टोटल के लिए न्यू बॉन्डेड के लिए क्या हो जाएगा 21 प्लस 10.5 कितना हो गया 31.5 होगा कितना हो गया यहाँ पे 31.5 इंटू 31.5 माइनस करेंगे कौन कौन रीजन का माइनस करेंगे पहले गोल्ड का माइनस करेंगे प्लस रेड का माइनस करेंगे तो अब यहां देखेंगे कटेगा 7 4 28 3 बचेगा yes, इसका टोटल गुना करेंगे 22 गुना कर लेगी yes, या तो कर ही देते हैं 5 टू जा 10 है मेरा 1 10 और 1 11 4 टू जा 8 0 9 हो गया इसके बाद बचा कौन पॉइंट एक डिजिट के बाद था एक डिजिट खत्म हो गया यानी कितना हो गया 99 फिर 31.5 में 99 जाओ कितना हो गया 45 एंड मेरा 4 9 और 4 39 एंड मेरा 1 9 3 जा 27 और 1 28 फिर उसी तरह करेंगे 5 3 8 2 तो 5 8 1 10 11 3 पॉइंट एक डिजिट के बाद कितना हो गया 3 1 1 8.5 आई दोनों गोल्ड में कितना था 346.5 और इसमें कितना आया 10 39.5 ये दोनों को जोड़ेंगे तो 346.5 10 0 39.5 0 16 8 30 तो माइनस 38 घटाओ उसको फाइव टू थ्री एक दिया सेवन इसका एक दिया कितना हो गया 1732.5 ये किसका निकल गया ब्लू रीजन किसका निकला ब्लू रीजन का समझ में आया इसी तरह निकाल लेंगे फिर ब्लैक का इसी तरह फिर निकाल लेगी व्हाइट का समझ में आया किस तरह से निकल रहा है ये हो गया कॉन्सेंट्रिक सर्किल में कैसे निकाला जाता है तुमको यदि एग्जाम में पार्टों नहीं पूछेगा कोई एक दे देगा उससे पूछेगा ब्लू का पूछे रेड का पूछे गोल्ड का पूछे ज्यादातर रेड का पूछता है गोल्ड का तो एक ही नंबर में निकल जाएगा या फिर ब्लैक का पूछ दिया बहुत मेहनत करना पड़ेगा देखो 12.2 में क्या करना है एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल तो सेक्टर किसको बोलते हैं पहले ये डिफाइन करते हैं तो सेक्टर किसको बोलते हैं बोलता है द पोर्शन और पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन इंक्लोज्ड बाय द टू रेडी या कोरस्पोंडिंग आर्क यानी कोई सर्किल है और उसके दो रेडियस के द्वारा ये पार्ट काट लिया गया
और ये इस पार्ट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, अर्थ। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, तो अर्थ इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रेडियस। इसको भी क्या बोलते हैं, तो दो रेडियस हो गया। और इसी कॉरेस्पॉन्डिंग इस वाले पार्ट को बोलेंगे सेक्टर, क्या बोलेंगे, तो इस वाले पार्ट को भी तो सेक्टर बोलेंगे। जब ये सेक्टर है तो ये भी तो सेक्टर है। मान लो ये वाला पार्ट है छोटा वाला पार्ट, ये बड़ा वाला पार्ट है, ये बड़ा हो गया इसलिए इसको मेजर सेक्टर, और ये छोटा हो गया इसको माइनर सेक्टर। तो ये सेक्टर का पार्ट जब किसके द्वारा घिरा हुआ होना चाहिए, दो रेडियस के द्वारा, और कोरेस्पॉन्डिंग उसका जो रेडियस जो कटा हुआ है सर्किल का इस अर्थ के साथ जो बनाएगा ये एरिया, क्या कहा जाता है, सेक्टर कहा जाता है। समझ में आया, सेक्टर किसको, तो सेक्टर दो तरह का होता है, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। और यहाँ पे अब यदि इसका एरिया निकालने बोल देगा, एरिया फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, यदि हमको एरिया बोलेगा लिखेंगे, देखो यहाँ यदि इसमें पूछ दिया एरिया ऑफ द सेक्टर, तो फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 360 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ तो 360 डिग्री नहीं है, ये क्या हो गया, थीटा, ये माइनर हो गया। अब यदि मेजर लिखना है तो मेजर वाला का ये वाला एंगल होगा, ये वाला होगा इसका बड़ा वाला थीटा, तो फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया, तो एरिया ऑफ द सेक्टर हो गया। इसी तरह से तुमको पूछ देगा एरिया ऑफ द सेक्टर, लेंथ ऑफ द अर्थ ऑफ द सेक्टर, यदि पूछ देगा लेंथ ऑफ एन अर्थ ऑफ ए सेक्टर ऑफ कोई भी एंगल थीटा, यानी बोलने का मतलब पेरीमीटर, ये वाला, ये यहां से यहां तक का दूरी, ये वाला यहां से यहां तक, ये जैसे मान लो सपोजेड कुछ 5 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये 3 होगा, तो अर्थ ऑफ द लेंथ कितना हो गया, 5 5 10 13। तो हमको ये तो आसानी से दिया हुआ नहीं रहेगा, इसका तो पता नहीं चलेगा, तो कैसे निकालेंगे, जैसे हम सर्किल का पेरीमीटर निकालते हैं ना, सर्कमफेरेंस जिसको बोलते हैं, क्या होता है 2πr। तो यहां पे क्या करना है, थीटा बाय 360 2πr। समझ में आया, तो लेंथ निकल गया, ये क्या निकल गया, लेंथ। यदि पूछेगा एरिया तो πr स्क्वायर, थीटा बाय 360 πr स्क्वायर। यदि लेंथ पूछा यानी पेरीमीटर जिसको बोलते हैं, तो क्या हो गया, थीटा बाय 360 2πr। समझ में आया, ये हो गया सेक्टर का, क्या हो गया, सेक्टर में तुमको इतना ही क्वेश्चन रहेगा, थीटा दिया हुआ रहेगा, इसका एरिया निकालना बोलेगा। समझ में आया, तो थीटा तुमको दिया हुआ रहेगा, या फिर थीटा तुमको थीटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, एक्यूट एंगल है या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल है या परपेंडिकुलर है, तो वो तुमको दिया हुआ रहेगा और ये निकालना है। तो यानी थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया ऑफ द सेक्टर, लेंथ ऑफ द सेक्टर यानी लेंथ ऑफ द अर्थ ऑफ द सेक्टर क्या होगा, थीटा बाय 360 टू पाई। मतलब जो नीचे कर रहे सिर्फ उसी का नहीं, ये टोटल यहां से यहां तक का टोटल मिलेगा, लेंथ ऑफ एन कर्व ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, यानी निकालना होगा। समझ में आया, अब आते हैं सेगमेंट में, तो बोलता है सेगमेंट किसको बोलते हैं, द पोर्शन और पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज बिटवीन ए क्वाड एंड द कोरस्पोंडिंग अर्थ, यानी क्वाड किसको बोलते हैं सर्किल का, ये क्या हो गया, क्वाड हो गया, ये क्या हो गया, क्वाड हो गया, यानी सर्किल का दो एंड पॉइंट होना चाहिए, सर्किल में कितना एंड पॉइंट होना चाहिए, दो एंड पॉइंट हो गया, वो क्या बन गया, और सबसे बड़ा क्वाड किसको बोलते हैं, डायमीटर को बोलते हैं, ये सबसे बड़ा क्वाड होगा डायमीटर, और ये भी कॉर्ड है, तो ये जो बना, लेकिन कॉर्ड बना किसके साथ, अर्थ ऑफ द सर्कल, अर्थ ऑफ द, जैसे मान लीजिए सर्कल हो गया और ये कॉर्ड हो गया, तो ये वाला क्या हो गया, सेगमेंट, ये वाला पोर्शन को क्या बोलेंगे, सेगमेंट, ये हो गया माइनर सेगमेंट और ये वाला हो गया मेजर सेगमेंट। समझ में आया, सेगमेंट हो गया कॉर्ड के द्वारा बनता है, किसके बीच बनता है, कॉर्ड और कोरस्पॉन्डिंग अर्थ के बीच बनता है, और सेक्टर किसके बीच बनता है, रेडी और कोरस्पॉन्डिंग अर्थ के बीच बनता है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका भी तो एरिया निकालना होगा, तो इसका एरिया निकालने का मतलब हमको एरिया निकालना है किसका, सेक्टर का, किसका निकालना है, सेक्टर का, तो सेक्टर का एरिया कैसे निकाला जाएगा,
तो इसका फॉर्मूला भी हो सकता है, विदाउट फॉर्मूला भी हो सकता है। देखो कैसे निकालेंगे, पहले समझो, जब मैथ बनेगा तो तुमको आसानी से समझ में आएगा। मान लो सब कुछ ये वाला हो गया मेरा, इसका एरिया निकालना सर, ये क्या सेगमेंट हो गया, तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक सर्किल बन गया। अब देखो पूरा तो एरिया नहीं निकालना है, या तो सर्किल का पूरा एरिया निकाल लो, सर्किल का क्या निकालो, पूरा एरिया निकाल लो। और एरिया निकाल देने के बाद में क्या करना है, घटाना होगा, क्या करना होगा, तो किसको, इसको कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बनाना होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी सर्कल को दो, अभी बनाने नहीं सिखा रहे हैं, अभी सिर्फ समझा रहे हैं, तो हमको सेक्टर कैसे निकाल, तो हम पहले क्या निकालेंगे, सेक्टर का निकालेंगे, पूरा यहाँ का सेक्टर निकालेंगे। ये जैसे मान लो ओ ए बी, और ये मान लो पी, ये पूरा क्या हो गया मेरा, सेक्टर हो गया। पहले हम पूरा सेक्टर निकालिए, क्या निकालिए, सेक्टर का निकालना फॉर्मूला ये क्या है, सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाय 360 बाय आर स्क्वायर। अब माइनस इसका एरिया निकालो, घटा दो इसको, सेक्टर पूरा का निकालिए। अब ये वाला क्या करेंगे, इसके ट्रायंगल का माइनस कर देंगे, एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ, तो क्या निकल गया, ये एरिया ऑफ सेक्टर ए, सॉरी एरिया ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, सेक्टर का निकाल लेंगे माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, समझ में आया। तो इस तरह से निकाला जा सकता है। तो ये था तुम्हारा फॉर्मूला, अब मैथ देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ साफ साफ दिया हुआ है थीटा, बोलता है एरिया ऑफ क्या निकालना है, सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब किसी भी सर्कल में फिगर इस तरह बनेगा, इसी तरह बनेगा ना, यस सर। तो ये तुमको थीटा है कितना डिग्री दिया हुआ है, और रेडियस दे दिया है, यानी गिवन रेडियस कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर, 6 इंटू कटेगा 6 बार में, 6 कट गया, 132/7 सेंटीमीटर, समझ में आया। सेकेंड नंबर में क्या बोल रहा है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब पहले समझ लो, यानी क्वाड्रेंट कभी भी बोलेगा तो दिमाग में आ जाना चाहिए थीटा का मान कितना, 90 डिग्री। क्वाड्रेंट का मतलब यानी एक सर्किल को 4 भागों में बांटो, सर्किल को कहां बांटो, 4 भागों में, कहां से कटेगा, यहां से, यहां एंगल कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। यानी क्वाड्रेंट का बात कभी भी करेगा तो पता चल जाना चाहिए थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, यानी गिवन थीटा बराबर कितना, क्लियर हो गया। क्वाड्रेंट का मतलब समझ में आ गया, तो कुछ ही एक क्वाड्रेंट के बारे में निकालना है, बोलता है एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट मतलब एक ही का निकालना है, किसी एक का निकालना है। तो बोल रहा है क्या, उस सर्कल, अब क्या चाहिए, आर चाहिए, आर तो नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो सर्कमफेरेंस बराबर क्या फॉर्मूला था, 2π r = 20। तो r का मान कैसे निकलेगा, देखो 2 का कट गया 11, और पाई बराबर ये सॉरी r बराबर क्या निकल गया मेरा, 11π, रहने दो 11π ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है हमको, थीटा कितना पता चल गया, 90π, आर का मान कितना निकला है, 11π, तो देखो पाई और पाई वो कट गया, 9 का जब कितना माना, 4 बार। अब इसको फिर से करेंगे तो 1/4 11 × 11, और यहाँ क्या होगा, पाई का मान 22,
और ऊपर में क्या चला जाएगा, ऊपर में क्या चला जाएगा, तो कटेगा 11 टू जा yes, और कुछ कटेगा yes, नहीं कटेगा, यानी आंसर कितना हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया yes, तो बोल रहा है क्या लेंथ ऑफ द मिनट है, यानी घड़ी देखी होगी, सर्कुलर वाला घड़ी का बात करेंगे, ऐसा नहीं कि दूसरा घड़ी का बात करेंगे। तो बोल रहा है मिनट हैंड जो है क्लॉक का 14 सेंटीमीटर, यानी दैट मीन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये घड़ी का कांटा है जो कितना है रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स यहां गिवन उनको क्या बता रहा है ये रेडियस, रेडियस कितना हो गया। अब बोलता है जो एरिया जो निकालना है हमको, बोलता है ये मान लो यहां पे काटा जो था 6 पे था मिनट है, तो स्वेप्ट हो गया थोड़ा देर बाद कहां चला गया, यहां पे चला गया, यानी यहां पे चला गया। तो बोल रहा है हमको एरिया निकालना है इसका सेक्टर का, ये एरिया का जो कितना में 5 मिनट है, तो हमको तो दो चीज चाहिए, थीटा और आर चाहिए एरिया निकालने के लिए, तो थीटा तो नहीं पता है लेकिन आर पता है, यही ना लंबाई पता चल गया घड़ी का। तो कैसे लिखेंगे, वी नो दैट मिनट हैंड मैक्स एंगल इन मिनट हैंड मैक्स इन मिनट हैंड मैक्स इन मिनट हैंड मैक्स एंगल 360 डिग्री इन 60 मिनट्स, तो हमको कितना निकालना है 5 मिनट्स में, तो इन मिनट्स हैंड मैक्स एंगल 360/60 इन 1 मिनट, मैक्स एंगल 360/60 इंटू इन कितना मिनट में, 5 मिनट में कटेगा, यानी कितना डिग्री 30 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना निकल गया मेरा, आर बराबर कितना निकल गया, तो एरिया निकालना है, क्या निकालना है, क्या लिखेंगे एरिया, यहां से एरिया द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 15 मिनट इक्वल टू क्या होगा 30/360 पाई का मान 22/7 आर का मान 14 इंटू कटेगा 0/12 बार में कटेगा 7 2 जा 2 6 3 11 और कटेगा 11 1 जा 11 11 14 एंड मेरा 4 और या 14 और 1 154/3 क्या होगा मीटर सेंटीमीटर। समझ में आया, इसके बाद यहां से तुम लोग अच्छा से लिख देना द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट उसको लिख, देखो आंसर क्लियर है। देखो यहां बोल रहा है क्या एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या बताया है, थीटा बाय 360 पाई आर यही होगा। तो बोल रहा है ये जब एंगल यानी थीटा बराबर तुमको दे दिया, थीटा बराबर कितना दे दिया पी, और रेडियस बराबर कितना दे दिया कैपिटल आर, यहां बोला थीटा कितना है
पी है और एंगल रेडियस कितना है कैपिटल आर। तो पहले देखेंगे इसमें ये तो नहीं होगा, टू पाई आर होता है नहीं होता है, ये नहीं होगा, ये दोनों खत्म हो गया। अब या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन यहां बोल रहा है मेरा जो 360 होना चाहिए और पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, तो यहां भी पाई आर स्क्वायर है, यहां भी पाई आर स्क्वायर है, लेकिन यहां पे क्या है पाई आर स्क्वायर ठीक है लेकिन 180 दे दिया है। आना कितना चाहिए 360 आना चाहिए, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 100% यही होगा। तो अब कैसे होगा, तो पी बाय 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 से काटेंगे तो कितना होगा 360, तो यानी कितना हो गया पी बाय 360 एक फॉर्मूला था ना, एक ही लगा, समझ में आया। तो कल बनाएंगे फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, ठीक है।